श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस कमिश्नर का एक्शन, इस वक्त की बड़ी खबर। जांच अधिकारियों से पुलिस कमिश्नर बात कर रहे हैं, वो उनसे मिलने के लिए खुद थाने में पहुंचे हैं, जहां पर इस समय टीमें दिल्ली पुलिस की अलग अलग लगी हैं। 14 टीमें दिल्ली पुलिस की इस समय अलग अलग इस अभियान में लगी हैं, जिसमें 150 से ज्यादा पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं। जांच अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर खुद एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं। अरविंद, जैसा आप हमें बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर खुद इस मामले की समीक्षा कर रहे हैं, क्या दिल्ली पुलिस अभी तक की जांच से संतुष्ट है, या फिर वो हथियार ना मिल पाना, या खून से सने कपड़े ना मिल पाना, या मोबाइल फोन ना मिल पाना, ये पुलिस के लिए बड़ी चिंता की बात है? नहीं, देखिए, सबसे पहले आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है, एक्सक्लूसिव अपडेट, वो हमने दी कि बाथरूम से ब्लड के स्टेन मिले हैं और किचन से ब्लड के स्टेन मिले हैं। वो अगर श्रद्धा के फादर के डीएनए से मैच कर जाते हैं तो बड़ा एविडेंस होगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के पास काफी एविडेंस है, कई बातों का खुलासा खुद जो दिल्ली पुलिस है वो हमसे नहीं कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि ये केस में फैक्ट पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने मुझसे पूछा था, तस्वीरें आपको दिखा दूं सबसे पहले कि जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और आप जो फिलहाल ज्वाइंट कमिश्नर है अंदर, इस ये जो कमरा है आप देख पा रहे हैं, ज्वाइंट कमिश्नर और डीसीपी रैंक और केस से जुड़े अधिकारियों के साथ फिलहाल वो मीटिंग कर रहे हैं। अब रही बात आपने जो पूछा कि जो आफ्ताब ने क्या कहा अदालत ने, आफ्ताब ने अदालत में दरअसल ये कहा है कि जो कुछ हुआ हीट ऑफ द मोमेंट हुआ, लेकिन यहां अहम बात यह है, ये सब सुनवाई के दौरान हुआ है, कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ है जो आफ्ताब है उसका, तो इसके बहुत मायने नहीं होंगे। ट्रायल में क्या कुछ होता है, किस तरह से एविडेंस दिल्ली पुलिस रखती है, उसका बयान क्या कहता है, बयानों के आधार पर कोरोबरेटिव एविडेंस है वो क्या कहता है, वो मायने रखेगा। तो इसलिए जो उसके वकील का दावा है वो काफी हद तक, जितनी मुझे जानकारी है, काफी हद तक सही है। लेकिन उसके खिलाफ कई एविडेंस है, ब्लड स्टेन मिले हैं, बॉडी के टुकड़े मिले हैं, जबड़े का एक टुकड़ा मिला है जो काफी हद तक मैच करता है दिल्ली के डॉक्टर से। और ये तस्वीरें हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोरा साउथ डीसीपी के दफ्तर पहुंचे, जांच की समीक्षा स्वयं इस समय वो कर रहे हैं। 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी, जैसा अरविंद ओझा हमें बता भी रहे थे, 14 अलग अलग टीमें यहां पर बनी है दिल्ली पुलिस की। जो अलग अलग टीमें हैं वो किन पहलुओं पर काम कर रही है, क्या समीक्षा कर रहे हैं समय दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अरविंद? देखिए, आपको बताऊं, तकरीबन 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे हैं, और जो एक सीनियर ऑफिसियल है उन्होंने तो बताया कि जब पहले दिन जो हड्डियां हैं उनको उनका जब सर्च अभियान चलाया गया, तकरीबन 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी वो लगे हुए थे जो बोन्स है उसको तलाशने के लिए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और कितना ये हाई प्रोफाइल केस बन गया। खास तौर पे सबूतों की अगर बात की जाए, ये देखिए, ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उनके तमाम जो बॉडीगार्ड्स हैं वो भी यहां पहुंचे, और अंदर जो है वो डीसीपी, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और जांच से जुड़े तमाम अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। एविडेंस की बात की जाए तो जहां से फ्रिज खरीदा था उस शॉप का पता लगा लिया दिल्ली पुलिस ने, शॉपकीपर के बयान दर्ज कर लिए हैं। आने वाले दिनों में टीआईपी भी आफ्ताब की कराई जाएगी इन तमाम शॉपकीपर से कि क्या फ्रिज यहां से लिया था। उसके अलावा कॉल डिटेल्स, आफ्ताब का यह कहना कि 22 मई को श्रद्धा चली गई थी लेकिन 26 मई को श्रद्धा के मोबाइल से पैसों का ट्रांजेक्शन, उसके अलावा बॉन्स रिकवर हुए उनका अगर डीएनए से मिलान हो जाता है, जो कमरे से जो क्राइम सीन है वहां पर बाथरूम जहां पर उसने कबूल किया है, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है कि वहां पर बॉडी के टुकड़े किए थे, तो वहां ब्लड स्टेन का मिलना, किचन से ब्लड स्टेन का मिलना, और तमाम बयान है कॉल डिटेल्स है, उसके अलावा एविडेंस है, परिस्थिति जन साक्ष पर भी डिपेंड करता है, फॉरेंसिक एविडेंस भी वो अभी दिल्ली पुलिस को मिलने हैं, एफएसएल से भी, सीएफएसएल से भी। उसके अलावा आपको बताऊं कि जो एक एक्सपर्ट है वो बताते हैं कि जब कोई क्राइम होता है तो जो आरोपी होता है वो कुछ मौका वारदात पर छोड़कर चला जाता है, जिसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी फॉरेंसिक की होती है, कुछ लेकर जाता है उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन कुछ दिमाग में रखता है
वो दिमाग का सच जानने के लिए नार्को टेस्ट कराया जाना जरूरी है और उस नार्को टेस्ट की भी तैयारी है। पॉलीग्राफी टेस्ट बहुत मुमकिन है कि आज हो जाए, नार्को टेस्ट की प्रक्रिया का वो हिस्सा है, तो पहले पॉलीग्राफी टेस्ट होगा तो नार्को टेस्ट होगा। तो हर तरफ से जो दिल्ली पुलिस है वो शिकंजा कसने की आफ्ताब पर कोशिश कर रही है। तो ये प्रक्रिया तीन तरफ से बार इस समय दिल्ली पुलिस का चल रहा है, जांच तीन तरफ तीन अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही है।